शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक। क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक। क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। और क्लास 1 से 8 के लिए 3:00 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भी हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 6 में विज्ञान विषय में आज हम पाठ वस्तुओं के समूह को पढ़ेंगे। क्लास 7 में विज्ञान विषय में प्राणियों में पोषण भाग 3 पढ़ेंगे। और क्लास 8 में विज्ञान विषय में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 2 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, इससे मिलिए, ये है रोहन। रोहन के पिताजी की बर्तनों की दुकान थी। उस दुकान में तरह तरह के बर्तन थे, तांबे के मर्तबान, लोहे की कढ़ाई, इस्पात से बनी प्लेट, कांच से बने गिलास और यहाँ तक कि मिट्टी के बने हुए घड़े। उसके पिताजी सुबह जब भी दुकान खोलते, वह सभी सामान को अच्छे से साफ करके लगाते। एक दिन जब रोहन के माता पिता काम से घर आए, कल धनतेरस का त्योहार है, कल ग्राहक जल्दी आना शुरू कर देंगे, इसलिए दुकान जल्दी खोलनी होगी। पिताजी, क्या मैं कल आपके साथ दुकान चल सकता हूँ? मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कल हम सब मिलकर दुकान लगाएंगे। रोहन खुशी खुशी सो गया। सुबह उठकर वह झट से तैयार हो गया। पिताजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह, चलो हम नाश्ता करें और फिर चलेंगे। रोहन पिताजी की मदद करने के लिए बहुत उत्साहित था, पर रास्ते भर उसके मन में बहुत से सवाल आते रहे, जैसे पिताजी इतने सारे बर्तन कैसे लगाते होंगे, किसी ग्राहक को इतने सारे बर्तनों में से कोई एक बर्तन कैसे ढूंढ कर देते होंगे, यदि बहुत सारे ग्राहक आ जाएं, तो हर एक ग्राहक को उनकी पसंद का बर्तन कैसे देते होंगे। जैसे ही रोहन और उसके पिताजी दुकान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दो बंदर इधर उधर कूद रहे थे और उन्होंने दुकान का सारा सामान फैला दिया। जैसे ही बंदरों ने रोहन और उसके पिताजी को देखा, वो खिड़की से कूदकर भाग गए। रोहन के पिताजी सारे सामान को इधर उधर फैला हुआ देखकर परेशान हो गए। अरे, यह क्या हो गया? ग्राहकों के आने का समय हो गया है और मैं इतनी जल्दी कैसे सब सामान को ठीक से रखूंगा? रोहन को पिताजी की परेशानी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा हुआ रोहन, तुम मेरी मदद के लिए हो। रोहन, अगर हम एक जैसे इस्तेमाल में आने वाले बर्तन एक जगह रखेंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। रोहन और उसके पिताजी साथ मिलकर बर्तन लगाने लगे। रोहन ने धीरे धीरे पहले बड़े आकार की कटोरियां एक साथ रखी, फिर छोटी। ऐसा करते करते रोहन ने देखा कि कुछ कटोरियां तो चमकीली हैं, कुछ कटोरियां भूरे रंग की और कुछ कटोरियां कांच की। उसने एक एक करके सभी एक जैसे दिखने वाली कटोरियां एक साथ रख दी। पिताजी, ये सभी कटोरियां अलग अलग क्यों दिखती हैं? क्योंकि यह सभी अलग अलग पदार्थों से बनी है। यह जो सबसे चमकीली है, यह इस्पात के पदार्थों से
और यह जो भूरे रंग की है यह तांबे से, और वह जो है कांच की कटोरियां हैं, इनके साथ बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि यह आसानी से टूट सकती है। रोहन को याद आया कि घर पर पिताजी और माँ ने उससे अपने खिलौने किस तरह से रखना सिखाया और पिताजी और माँ किस तरह से रसोई का सामान रखते हैं। इसी तरह से रोहन ने देखा कि बाकी सब बर्तन भी अलग अलग पदार्थों से बने हैं। पिताजी, अलग अलग पदार्थों से बर्तन क्यों बनते हैं? रोहन बेटा, हर एक पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोहे और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे यह लोहे की कढ़ाई, क्योंकि यह बाकी सब पदार्थों से ज्यादा मजबूत है तो खाना जलता नहीं है। समझ गया पिताजी। पिताजी ने रोहन को गले लगाया और कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इतने में ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया। यह सब करते हुए रोहन ने इस बात पर विचार किया कि एक ही तरह का बर्तन अलग अलग पदार्थों से बना है, जैसे गिलास कांच से तथा इस्पात से, कढ़ाई लोहे की भी और एल्यूमिनियम की भी और अन्य पदार्थों से भी बनी है। रोहन को यह सब बड़ा रोमांचक लगा। जब वह बाजार में गया, उसने देखा कि इन सभी पदार्थों से अनेक वस्तुएं बनती हैं, जैसे खिलौने मिट्टी से, प्लास्टिक से और कपड़े से भी बनते हैं। उसने यह भी देखा कि एक ही पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी बनती हैं। जब वह घर पहुंचा, वह हाथ पैर धोकर माँ के पास बैठा। आज का दिन कैसा था रोहन? माँ, मैंने पिताजी की मदद की और साथ ही साथ यह सीखा कि किस तरह से विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनती है। अरे भाई वाह, एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुमने जो भी देखा उसकी एक सूची बनाए। माँ ने सूची के एक स्तंभ में विभिन्न पदार्थों को लिखा और दूसरे स्तंभ में रोहन ने एक एक करके वह सब वस्तुएं लिखी एवं उनके चित्र भी बनाए जो उसने बाजार में देखी। रोहन उस दिन बहुत खुश था। उसने विभिन्न पदार्थों एवं उनसे बनने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में जाना। रोहन ने उन वस्तुओं को एक समूह में रखना यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी सीखा। रोहन ने सोचा कि अब वो घर में खाने की चीजों, पहनने की चीजों और पढ़ने की चीजों की सूची बनाएगा और उनका वर्गीकरण करेगा। घर में और ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या आप सब भी अपने आसपास मौजूद वस्तुओं से इस तरह की एक सूची बना सकते हो? शाम को रोहन के खेलने का समय हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, शाम हो गई है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? हाँ, पर ध्यान से और सबके साथ मिलकर खेलना। रोहन अपने सभी दोस्तों से मिला और वह उन्हें यह बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि किस तरह उसने अपने पिताजी के साथ दुकान पर समय बिताया और कुछ नया सीखा। कैसे हो तुम सब? हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम सबको पता है मैं कल पिताजी के साथ दुकान पर गया था और वहाँ मुझे पिताजी के साथ बहुत मजा आया। मैंने बाजार में भी बहुत सारी चीजें देखी। सभी दोस्त रोहन की बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। हमें भी बताओ तुमने क्या किया? कल दो बंदरों ने आकर दुकान पर सारे बर्तन बिखेर दिए और फिर मैंने और पिताजी ने साथ में मिलकर दुकान लगाई। मेरे पिताजी की दुकान में बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से बनने वाले बर्तन हैं। कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ लोहे के तो कुछ इस्पात से और कुछ कांच से बने हुए बर्तन। मैंने अलग अलग वस्तुओं का वर्गीकरण यानी समूहन करना सीखा। अरे, हम भी अपने रसोई घर में बर्तनों को कुछ इसी प्रकार से रखते हैं, पर मेरे रसोई घर में कांच के बर्तन एक जगह होते हैं, तांबे के अलग और लोहे और इस्पात के अलग। रोहन सोच में पड़ गया। प्रिया की बड़ी बहन सरिता पास में खड़े होकर यह सब सुन रही थी। वह हंसने लगी और कहा, बच्चों,
क्या मैं तुम्हारी परेशानी सुलझाने में कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ दीदी। तो चलो बताओ, ये जो पत्थर जमीन पर पड़ा है, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? यह सफेद रंग का है। ये बहुत ही सख्त और नुकीला है, इससे चोट लग सकती है। जब बारिश आती है और मैं इसे जमा हुए पानी में फेंकता हूँ तो यह डूब जाता है और नीचे जाकर बैठ जाता है। अब बताओ ये क्या है? अरे यह तो चौक है। और मास्टर जी इससे कक्षा में श्याम पट पर भी लिखते हैं। तो अब बताओ, इसे देखकर क्या लगता है? यह सफेद रंग का है, यह सख्त है। पर पानी में डालने पर क्या होगा? चलो अभी देख लेते हैं। सभी ने एक डब्बे में पानी भरा और एक चौक और एक पत्थर को उसमें डाला। क्या आप बता सकते हो चौक और पत्थर को क्या हुआ होगा? अरे यह तो डूब गए। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि चौक पानी में घुलने लगा। दीदी देखो, चौक तो पानी में घुल गया पर पत्थर नहीं घुला। अब समझ में आया, चौक और पत्थर में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना रोहन। हर एक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार पदार्थ एक ही वर्ग या समूह में आए। बिल्कुल सही कहा। पदार्थों के गुणों में समानताओं एवं विभिन्नताओं के अनुसार उनका समूह या वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मेरे रसोई घर में बर्तनों का समूह, वह किस पदार्थ से बने हैं, और रोहन की पिताजी की दुकान पर वह किस इस्तेमाल में आता है। मुझे पदार्थों के गुणों के बारे में और जानना है। बिल्कुल जान सकते हो, अपने आसपास की अनेक वस्तुओं का अध्ययन करके। अब यह बताओ कि पत्थर और चौक के गुणों के बारे में क्या सीखा? पत्थर और चौक दोनों ही सफेद रंग के हैं और सख्त है। चौक पानी में घुल सकता है पर पत्थर नहीं घुल सकता। दोनों ही पानी में डूब सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो पानी में तैर पाएगा? अरे हाँ, मेरी कागज की बनी हुई नाव। अरे वाह प्रिया, तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही समझदार हैं। धन्यवाद दीदी हमें यह बताने के लिए कि सख्त या कठोरता, घुलनशीलता एवं पानी में डूबना या तैरना पदार्थों के विभिन्न गुणों में से एक है। बिल्कुल सही कहा रोहन और राजू। इसी तरह पदार्थों के और भी बहुत गुण हैं। हम बहुत सी वस्तुओं का अध्ययन करके उनके बारे में जान सकते हैं। मैं आज ही घर जाकर विभिन्न वस्तुएं एकत्रित करके यह सब जानने की कोशिश करूंगा। इतने में सूरज ढलने लगा और सभी अपने अपने घर खुशी खुशी चले गए। प्राणियों में पोषण भाग तीन। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क, घास खाने वाले जानवरों में पाचन को समझना। ख, समझना कि एक कोशिक जीवों में पाचन कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में मनुष्य की पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था। भोजन के स्वाद से लेकर पाचन तक का सफर कितना लंबा और मजेदार होता है। क्या आपने कभी किसी गाय को जुगाली करते हुए देखा है? क्या एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन प्रक्रिया होती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। दीदी इन गायों को देखो, मैं इन्हें रोज देखता हूँ। ये रोज ऐसे ही अपने मुंह में खाना चबाती रहती हैं। क्या ये सारा दिन कुछ खाती रहती हैं? हाँ रवि, अगर कोई इन्हें देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा ही सोचेगा। इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। गाय और अन्य घास खाने वाले जानवरों की पाचन प्रक्रिया मनुष्य से अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? चल रवि, रामू काका की गौशाला में चलते हैं। वह हमें विस्तार से समझा पाएंगे।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। नमस्ते काकी, रामू काका है क्या यहाँ? नहीं बच्चों, वे तो शहर गए हैं। अच्छा काकी, आज स्कूल से लौटते समय रवि ने गायों की पाचन प्रक्रिया के संबंध में सवाल पूछे, तो मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम रामू काका से आकर अपने सवाल पूछ लें। तुम दोनों कुछ देर प्रतीक्षा करो, वे कुछ देर में आने ही वाले हैं। ठीक है काकी, धन्यवाद। क्या हम गायों को चारा खिला सकते हैं? हाँ जरूर बच्चों, आओ मेरे साथ। काकी, रानी और रवि को गायों को चारा डालने के लिए लेकर जाती हैं। अरे ये देखो दीदी, ये गाय कैसे जुगाली कर रही है। हाँ रवि, चल जब तक रामू काका आते हैं हम काकी से पूछते हैं, उन्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि वह गायों के साथ रोज समय बिताती हैं। हाँ दीदी, चलो उनसे पूछते हैं। अरे ये देखो, यहाँ रामू काका की गौशाला में गाय की पाचन प्रक्रिया का एक चित्र भी लगा हुआ है। काकी, क्या आप हमें इस चित्र के बारे में बता सकती हैं? रानी बिटिया, इस चित्र में दिखाया गया है कि गाय क्या क्या खाती है, घास, भुट्टा, हरी सब्जियों के पत्ते आदि। देखो दीदी, हमने जो घास डाली थी वह ये गाय खा भी गई। रवि देख, वह घास को जल्दी से निगल लेती हैं। आओ बच्चों, यहाँ बैठ जाते हैं, मैं तुम्हें समझाती हूँ। घास निगलने के बाद गाय उसे अपने आमाशय के एक भाग, जिसे रूमेन कहते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेती है। अच्छा, मनुष्य की पाचन क्रिया में रूमेन नहीं होता है ना काकी? हाँ सही बोल रहे हो रवि, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इस आंशिक पचे हुए भोजन को जुगाल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कड भी कहते हैं। ये जुगाल बाद में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फिर से मुंह में लाया जाता है। यहाँ देखो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, तभी इसे जुगाली करना कहते हैं, गाय इसी कट को चबा रही होती है। ऐसे जीवों को रूमिनेंट या रोमनथी कहते हैं, है ना काकी? बिल्कुल सही रानी। गाय, भैंस और हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट या रोमनथी कहलाते हैं। घास में कौन से पदार्थ होते हैं काकी? मनुष्य तो घास नहीं खा सकता, है ना? घास में सेलुलोज होता है। क्या सेलुलोज? ये क्या होता है काकी? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से जंतु जैसे मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो क्या गाय जैसे घास खाने वाले जंतुओं में कोई विशेष भाग होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है? क्या रवि के प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश करूं काकी? हाँ रानी बिटिया, बताओ। रवि, गाय के आहार नाल में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैली जैसी संरचना होती है, जिससे अंडनाल कहते हैं। सेलुलोज का पाचन यहाँ होता है। अच्छा, पर कैसे दीदी? अंडनाल में कुछ जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है, यह मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते।
अरे वाह रानी बिटिया, तुम तो बड़ी होशियार हो। बच्चों बहुत देर हो गई है, लगता है रामू काका को देर लगेगी शहर से लौटने में। तुम दोनों अब घर जाओ, तुम्हारी माँ रास्ता देख रही होंगी। जी काकी, धन्यवाद। वाह कितनी अनोखी जानकारी है ये, है ना दोस्तों? क्या आप कभी किसी गौशाला में गए हैं? क्या मैं आपकी विज्ञान की ये किताब देख सकता हूँ दीदी? हाँ रवि, ये लो। अरे दीदी ये अमीबा का चित्र है ना? पता है मैंने पढ़ा था कि ये एक एक कोशिक जीव होता है, क्या इनकी भी पाचन प्रक्रिया होती है? दोस्तों अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। हाँ रवि, अमीबा और अन्य एक कोशिक जीवों में भी पाचन प्रक्रिया होती है। अरे ये तो कितने आश्चर्य की बात है दीदी, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? पता है रवि, कल स्कूल में एक विज्ञान की प्रदर्शनी है, वहाँ अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। मेरी कक्षा के कई विद्यार्थी एक कोशिक जीव जैसे अमीबा को माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों को दिखाएंगे। तुम भी कल अपने दोस्तों के साथ वहाँ आना और अपने सारे सवाल भी पूछ लेना। ये तो बहुत मजेदार होगा। दोस्तों कितना मजा आएगा विज्ञान की प्रदर्शनी में, कितने अलग अलग प्रयोग होंगे वहाँ, और हम माइक्रोस्कोप की मदद से अमीबा को भी देख पाएंगे अगले दिन स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में। नमस्ते सूरज भैया, क्या मैं भी अमीबा देख सकता हूँ? हाँ जरूर रवि, क्यों नहीं, आओ यहाँ ऐसे अपनी एक आंख बंद करो और यहाँ से देखो, बताओ क्या दिखा? अरे वाह ये तो बिल्कुल उस किताब के चित्र जैसा है जो मैंने कल रानी दीदी की किताब में देखा था। सूरज भैया क्या आप मुझे अमीबा की पाचन प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? हाँ रवि जरूर, अमीबा जो है वो नदी तालाब और अन्य जलाशयों में पाया जाता है। यहाँ देखो इस पोस्टर में अमीबा की पाचन प्रक्रिया दिखाई गई है। पता है अमीबा सूक्ष्म पौधों और प्राणियों को खाता है जो पानी में तैरते हैं, जैसे हम मुंह से खाते हैं और इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, वैसे ही अमीबा में भी इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लेकिन भैया अमीबा का तो मुंह नहीं होता, तो वह खाता कहाँ से है? रवि अमीबा निरंतर अपनी आकृति और अवस्था बदलता रहता है, देखो एक बार फिर माइक्रोस्कोप से उसकी अवस्था देखो। भैया जब मैंने पहले देखा था तो इसकी अवस्था कुछ और थी और अब कुछ और है। हाँ रवि जब ये खाता है तब एक या अधिक उंगली के समान आकार जैसी संरचना जिसे पादाब कहते हैं निकालता है, ये अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अच्छा ये तो बड़ी विचित्र सी बात है भैया, यहाँ इस पोस्टर में पादाब दिखाए गए हैं, है ना? हाँ रवि इस पोस्टर में अमीबा की पाचन क्रिया दिखाई हुई है, ये देखो फिर खाद्य पदार्थ अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही खाद्य रस स्रावित होता है जो खाद्य को सरल पदार्थों में बदलता है। ये कितने सूक्ष्म जीव है, पर पाचन प्रक्रिया बिल्कुल मनुष्य की तरह है। हाँ रवि तभी तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते। ओ,
तो क्या अमीबा में भी भोजन का अवशोषण होता है? हाँ रवि, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। पता है रवि, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रखरखाव के लिए काम आता है और अपचित खाद्य खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सभी प्राणियों में, चाहे वो बड़े हो या छोटे, पाचन प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। हाँ रवि, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और इसकी वजह से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वह हमारे शरीर के दिन भर के कार्य और अलग अलग प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भैया, आपने मुझे माइक्रोस्कोप से अमीबा दिखाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने घास खाने वाले जानवर जैसे गाय और एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन क्रिया के बारे में समझा होगा। अगली बार जब आप किसी गाय को जुगाली करते हुए देखेंगे तो आपको पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। हाय दोस्तों, हम पहले भी मिल चुके हैं ना? मेरा नाम सानिया है और ये मेरे बड़े भाई कबीर हैं। कबीर भैया, आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या कर रहे हैं? सुनो सानिया, क्या तुम एक दिलचस्प चीज देखना चाहोगी? दिलचस्प? कौन सी दिलचस्प चीज? ये ब्रेड का टुकड़ा। क्या? ये ब्रेड का टुकड़ा? इसमें क्या खास है? तुम खुद ही देख लो। छी, ये ब्रेड का टुकड़ा तो सड़ा हुआ है और इस पर तो ग्रे रंग का धब्बा भी पड़ा हुआ है। रुको, ये धब्बा तो मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत ही अलग दिख रहा है। ये क्या चीज है इसमें? तुम्हें याद है, कुछ दिनों पहले हमने सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा की थी। इस ब्रेड के टुकड़े पर जो ग्रे धब्बा है वो कुछ और नहीं बल्कि एक तरह के सूक्ष्म जीव है, जिन्हें हम फंगी कहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी वो ब्रेड का टुकड़ा देखा है, फंजाई द्वारा खराब हुआ हो? अगली बार जब आपको खराब ब्रेड का टुकड़ा मिले तो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से जरूर देखना। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप इसे खुद भी बना सकते हैं। बस एक पारदर्शी बोतल ले और उसे पानी से भर दे। अब इसके जरिए चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। आपको क्या दिख रहा है?
लेकिन पहले हम कबीर भैया के पास वापस चलते हैं और फंजाई कॉलोनी के बारे में अधिक जानते हैं। भैया, मैं फंजाई के बारे में जानती हूँ, लेकिन वो ब्रेड के टुकड़े को खराब कर देता है। सूक्ष्म जीव तो हमारे दोस्त होते हैं, है ना? देखो सानिया, ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र जरूर हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। जैसे कि वो चीजों को नुकसान और हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि इस मामले में उन्होंने ब्रेड के टुकड़े को खराब कर दिया। अगर मैं इस ब्रेड के टुकड़े को बिना देखे खा लेता तो मेरा पेट खराब हो सकता था। आप सही कह रहे हो दोस्तों। हमने भी देखा कि सूक्ष्म जीव कैसे खाना खराब कर देते हैं। क्या आप अपनी किताब में देखकर ये बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव और किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले नुकसान। एक, पके खाने को सड़ाना। दो, कच्ची सब्जियां और फल को सड़ाना। तीन, खाना सड़ने से बदबू उत्पन्न होना। कुछ आप भी ढूंढे और बताएं। मम्मी, हम स्कूल से वापस आ गए। अरे वाह, मम्मी आप आम का अचार बना रही हो। क्या हम भी आपकी मदद करें? हाँ बेटा, पहले यूनिफॉर्म बदलो, हाथ धो और फिर आओ मेरी मदद के लिए। कबीर, सरसों के तेल की बोतल देना। कबीर, क्या तुम इस नमक को जार में डालोगे? मम्मी, हम ये तेल और नमक अचार में क्यों मिला रहे हैं? ये तेल और नमक अचार को ज्यादा दिन तक सड़ने से बचाएगा। दरअसल नमक और तेल खाने को सड़ने वाले सूक्ष्म जीवों को लंबे समय तक पैदा होने और बढ़ने से रोकते हैं, जिससे अचार लंबे समय तक नहीं सड़ता। क्या तुम जानती हो, नमक मिलाकर रखने से खाने की चीजें सड़ने से बच जाती हैं? क्या तुम खाने को सड़ने से बचाने का कोई और तरीका बता सकती हो? दोस्तों, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम किताब में पृष्ठ संख्या 25-26 में ढूंढकर पता लगा सकते हो खाने को सड़ने से बचाने के लिए दूसरे तरीके? एक, चीनी द्वारा परिरक्षण। दो, सिर के द्वारा पारी परिरक्षण। कुछ आप भी ढूंढे और बताएं। दोस्तों, क्या तुम देखना चाहोगे कि खाने का बचाव असल में कैसे मदद करता है? चलो एक गतिविधि करते हैं। किसी बड़े की मदद से दो छोटे कटोरे लो। एक कटोरे में कच्चा दूध डालो और दूसरे कटोरे में उबला हुआ, जो कि ठंडा है, वो दूध डालो। जो कच्चा दूध है उसे किचन में रख दो और उबले दूध के कटोरे को 24 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दो। 24 घंटे बाद आपने क्या देखा? दोनों कटोरों के दूध की स्थिति से आपको क्या बदलाव नजर आया? आप दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा करें। अगर आप ये गतिविधि खुद ना कर सके तो अपने माता पिता से इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब तक हमने जाना, सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हो सकते हैं। वो चीजों को खराब और नुकसान पहुंचा सकते हैं। भोजन को नमकीन बनाना भोजन संरक्षण में मदद करता है। भोजन संरक्षण के कई और तरीके भी हैं, जो कि आपने खुद पता लगाने का प्रयास किया। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। बच्चों,
पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सर, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिन पाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे एक हाथ में 1, 2, 3, 4 और 5 उंगलियां हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं। अब कौन बताएगा कि संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? सर, संख्याओं के ऐसे समूह को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। सही कहा मोहन। बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि कई बार हमें ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ठंड के दिनों में कई जगहों पर तापमान को एक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या से दर्शाते हैं, जैसे -2°C। बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? सर, ऐसे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। शाबाश राहुल, तुम्हें तो पिछली कक्षा का सब कुछ ध्यान है। बच्चों, आप भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां कि हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते थे। अब इस संख्या रेखा को देखिए। इसमें शून्य के दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और शून्य के बाईं ओर जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। जैसे कि हमें यहाँ ऋणात्मक 1/2 दिया गया है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है, क्योंकि भिन्न होने के लिए अंश और हर का धनात्मक होना जरूरी है। तो ये कैसी संख्या है? सर, यह एक परिमेय संख्या है। शाबाश मोहन। बच्चों, अब परिमेय संख्या की परिभाषा बताओ। सर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की P और Q एक पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होता। सर, Q शून्य के बराबर क्यों नहीं हो सकता? मोहन, यदि मैं तुमसे 8/2 का मान पूछूं, तो तुम क्या करोगे? सर, मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कि 2 से गुना करने पर मुझे 8 दे, और ऐसी संख्या है 4। शाबाश मोहन। अब 8/0 का मान ज्ञात करो। सर, यह तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिल रही जो कि शून्य से गुना करने पर मुझे 8 दे। सही कहा मोहन। और ऐसी संख्या को हम अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड कहते हैं। सर, मैं समझ गया। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संवृत गुणधर्म के बारे में पढ़ा ही है, तो बताइए कि संवृत गुणधर्म क्या होता है? जब कभी हम किसी समुच्चय यानी सेट के संख्याओं पर किसी संक्रिया का उपयोग करते हैं और प्राप्त फल भी उसी समुच्चय के अंदर आता है, तो हम उस समुच्चय को उस संक्रिया के लिए संवृत मानते हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इन पूर्णांकों का जोड़ करके देखिए, क्या इन्हें जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिल रहे हैं? आप भी वीडियो को रोककर सोच सकते हैं। बच्चों, हम पूर्णांकों के संवृत गुणधर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर, पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत हैं, क्योंकि 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर हर बार हमें पूर्णांक ही मिलेगा। शाबाश मोहन। क्या इसी तरह परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं? चलो इसकी जांच करते हैं। हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 1/4 और 2/3 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या ये भी
एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, ये तो एक परिमेय संख्या है। बच्चों अब निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़ कर देखो। बच्चों आप देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही मिलती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत यानी कि क्लोज्ड हैं। बच्चों इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के जोड़ के अंतर्गत संवृत गुणधर्म की जांच भी की। अगली वीडियो में हम व्यवकलन तथा गुणन पर संवृत गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। क्या ऐसा व्यवकलन और गुणन में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों योग के लिए हम संवृत गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं, अब व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। बच्चों 3 से 8 का व्यवकलन करो। सर इसका उत्तर है -5। शाबाश राहुल। बच्चों अब इस सारणी को देखिए। यहाँ पर 3 और 8 तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनके व्यवकलन से प्राप्त उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों आप इस सारणी को देखकर कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं कि एक प्राकृत संख्या मिले। सर इसका मतलब कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। हाँ मोहन, क्या तुम इसी तरह पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। शाबाश मोहन, तुमने सही जवाब दिया। और बच्चों आपको याद भी होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। सर क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। चलो अब कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 5/2 और 2/5। इनका व्यवकलन करके उत्तर बताओ। सर इसका उत्तर है 21/10 और ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। अब 4 और 2/3 को घटाकर देखते हैं। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों क्या आपका भी उत्तर 10/3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है? बच्चों अब इन संख्याओं को घटाकर देखिए, क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या ही है? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों इन संख्याओं के व्यवकलन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। आप ऐसा अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी करके देख सकते हैं। बच्चों अब गुणन के लिए हम संवृत गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 2/7 और 3/5 का गुणन करने पर क्या प्राप्त होगा? सर हमें 6/35 प्राप्त होगा और यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों क्या -1/3 और 2/5 का गुणन करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? हाँ सर, इस बार भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। बच्चों इन संख्याओं का गुणन करके देखिए। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों इस बार भी इन संख्याओं के गुणन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं जोड़ और व्यवकलन के साथ साथ गुणन के अंतर्गत भी संवृत है।
बच्चों अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा की। अगली वीडियो में हम भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।